तो ये आप देख सकते हैं, ये है डेल का माउस, वायरलेस माउस है, और ये एक बहुत ही जाना माना मॉडल आप देख सकते हैं, WM126 ये मॉडल नंबर है, बहुत पहले से आ रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है और इजी टू यूज़ है। बाकी कंफर्ट वगैरह सब कुछ अभी हम अनबॉक्स करने के बाद देखेंगे। बाकी कुछ फीचर्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, डेल यूनिवर्सल पेयरिंग है, मतलब आप किसी भी लैपटॉप में पेयर कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम ही आप देख सकते हैं। इसका रिसीवर देखने को मिल जाता है और ये माउस है। बाकी अनबॉक्स करते हैं फिर जानते हैं। रिलायबल वायरलेस कनेक्शन है, 1 ईयर बैटरी लाइफ है, जो बैटरी दी गई है इसके अंदर वो 1 ईयर की है, चार्जेबल नहीं है, अलग से हमें बैटरी देखने को मिलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कंफर्टेबल डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी पीछे कुछ डिटेलिंग वगैरह देखने मिल जाती है, और चाइनीज़ वगैरह में आधी भाषा तो लिखी गई है। बाकी MRP देखे तो वो 1500 की देखने को मिल जाती है। मॉडल नंबर है VM126, ब्लैक कलर में देखने मिल जाता है। तो इसको हम करते हैं फटाफट से ओपन, हालांकि इसको मैंने पहले भी इसको ओपन किया था, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये हमें जो है सबसे पहले ये कवर निकालना है, उसके बाद ये हमें नीचे ड्यूरासेल का ये बैटरी देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, हम निकाल लेते हैं। ड्यूरासेल की बैटरी हमें देखने को मिल जाती है, बट ये नॉट फॉर रिटेल सेल, मतलब ये कस्टमाइज कंपनी बनवाती है ड्यूरासेल से ये पैकेज वगैरह में डालने के लिए। बाकी कुछ रीडिंग मैनुअल्स वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब कोई काम तो होता नहीं नॉर्मल, क्योंकि प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। और बाकी ये माउस देखने को मिल जाता है, माउस निकाल लेते हैं हम बाहर, और ये रहा इसका रिसीवर, तो इसको भी अब हम निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं कैसे ये जो है सेटअप होगा। ये हमें बैटरी देखने को मिल जाती है, इसको हम हटा देते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं सामने से, और ये आप देख सकते हैं, ये हमें सबसे पहले तो ये ऑन एंड ऑफ वाला स्विच देखने को मिल जाता है, और ये जो है बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, छोटा माउस है, आप आराम से जो है प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है, मैं अभी लैपटॉप में प्लग करके यूज़ करने वाला हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें डेल की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, लेफ्ट एंड राइट क्लिक है, कर्सर दिया गया है ये आपको, और साथ ही जो है बैटरी लगाने के लिए बहुत लोग सोचते हैं नीचे कहीं दिया नहीं, स्पेस कहाँ से कैसे क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें एक ये हल्का सा गैप देखने को मिल जाता है यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से में, सामने में डेल ब्रांडिंग की नीचे, तो यहीं इसको ओपन करना है, ये आप देख सकते हैं, इसको ऐसे ओपन करके ये ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां आपको जो है एक स्पेस मिल जाता है रिसीवर लगाने के लिए, इन केस अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं कहीं भी, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर आप रिसीवर लगा के छोड़ सकते हैं। बाकी जो है यहाँ सेल लगेगा, तो सेल भी हम लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं सेल, अब हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, और ये सेल लग चुका है, रिसीवर मेरा लैपटॉप में लग जाएगा, और बाकी जो है ये अब जो है ये डायरेक्टली ऐसे ये लॉक हो जाएगा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा, ये कम्प्लीटली लॉक हो चुका है। अब ये जो है इजिली आप यूज़ कर सकते हैं, फास्ट है, स्मूथ चलता है, बहुत ही मक्खन की तरह चलता है। और ये था डेल का वायरलेस माउस, जो कि इसकी प्राइसिंग मैं आपको बताऊँ, बाइलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट मेरे को 750 के आसपास में पड़ी, तो अच्छा है, कॉम्पैक्ट यूज़ में है और आराम से आप जो है इजी यूज़ कर पाते हैं। आप चाहें तो इसका रिसीवर भी इसमें रख के जो है इजिली इसको आप ऐसे रख देना है, बाकी इसको आप बंद करके जो है इजिली आप यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए ये बंद हो चुका है और स्टोर भी हो गया आपका, बैटरी सेल वगैरह आप ये रखा गया अंदर, और आप इसको जो है रख सकते हैं कहीं पे भी जब आपको यूज़ ना हो। तो यही था इस वायरलेस माउस डेल के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक थम्स अप लाइक जरूर से करिएगा, सारी चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हिट करिएगा उस बेल करके आइकन को, और साथ ही जो है बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलता है अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।